तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो ड्रीम इलेवन स्पाइस इसलिए टी10 लीग है, इसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 17वां मैच जो कि खेला जाएगा जिंजर जनरल्स वर्सेज क्लोव चैलेंजर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेते हो ना तो ईजिली भाई आप इस मैच में काफ़ी अच्छी खासी विनिंग करने वाले हो। तो भाई जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को देखो, या तो आप यहीं से स्किप करके जा सकते हो या फिर आप वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि अगर आप चैनल पर आए हो तो भाई मेरा मोटिव रहेगा आपको विनिंग करवाना, और आपको विनिंग करवाने के लिए भाई वीडियो कंप्लीट आपको देखनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। बात करेंगे मैच की डेट एंड टाइमिंग की, तो भाई 9:15 पर मैच खेला जाएगा, यानी कि अब से लगभग 2 घंटे बाद मैच खेला जाना है। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो आप देख सकते हो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्ज ग्रेनेडा में मैच खेला जाएगा। अगर यहाँ की अगर यहाँ की पिच की बात करें तो भाई यहाँ पर देखो पिच में आपको एक बार नीचे लेके चलता हूँ फिर यहाँ से बता देता हूँ। पिच की अगर यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से बैलेंस्ड विकेट है, लेकिन भाई बैट्समैन यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि बाउंड्री काफ़ी शॉर्ट है। ठीक है, पिच की जो मतलब वो 22 यार्ड का होता है ना वो भाई मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और भाई वहाँ पर बैलेंस्ड काम है लेकिन बाउंड्री छोटी है ना, तो इसका फ़ायदा यहाँ पर बैट्समैन उठा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भाई 16 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, 17वां मैच में कवर कर रहा हूं, सिर्फ 5 बार भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विनिंग की है और यहां पर 11 बार भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विनिंग की है। तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि यहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ी सी ज्यादा मदद मिल रही है, लेकिन ये भाई सिनेरियो चेंज भी हो सकता है कभी भी, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो 80% ट्रस्ट करके टीम मत बनाना। कभी आप सोचो हाँ भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ही विन करेगी, उसी के प्लेयर समझेंगे, ऐसे भाई आपको नहीं करना है। यहां पर सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे जब सिनेरियो चेंज होगा। टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर जिंजर जनरल्स अपने 5 मैच में से भाई 3 मैच विन कर चुके हैं और यहाँ पर 4 मैच लगातार हारने के बाद कल भाई इन्होंने सैफ्रॉन स्ट्राइकर्स को बीट किया था क्लोव चैलेंजर्स ने, और तब भाई अपनी पहली जीत यहाँ पर दर्ज की थी। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि फुल एंड फाइनल टीम किसी भी मैच की आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको सर्च कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो सर्च का बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा राइट कॉर्नर में, वहाँ से आप जाके सर्च कर सकते हो @ जैसे आप @KPM321 सर्च करोगे आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ये हमारा एकमात्र ओरिजिनल चैनल है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यूजर नेम भाई आपके लिए सेम टू सेम आपको यही डालना पड़ेगा, तभी भाई आप यहाँ पर चैनल तक पहुँच पाओगे। अदरवाइज भाई काफ़ी सारे फेक चैनल हमारे नाम पर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो भाई उनके ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है। ये भाई हमारा ओरिजिनल चैनल है, यहाँ पर भाई हर मैच की फाइनल टीम आपको मिल जाएगी। तो या तो भाई आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर भाई आपको फाइनल टीम जो लेने के लिए भाई सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। एवरेज स्कोर भाई यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 90 से 120 के बीच में देखने को मिलेगा, और भाई अगर एक कोई बैट्समैन अच्छा सा सेट होगा तो भाई 130-140 भी जा सकता है। वहीं अगर बात करें वेदर की तो पार्शियली क्लाउडी रहेगा, बट बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। इसके अलावा अगर और कोई भी अपडेट आएगी ना वेदर को लेकर तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, साथ ही टॉस की अपडेट और जो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर वो भी टेलीग्राम पर बताऊंगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की, ताकि हम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर भाई दोनों टीम्स ने कल अपना लास्ट मैच खेला है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोव चैलेंजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भाई ये इनके लिए पहली जीत थी। यहाँ पर अगर बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर टेडी बिशप भाई, मैंने वीडियो आप जाके देख लो कल वाली वीडियो, मैंने क्लियरली बोला था टेडी बिशप आपके लिए GL में सबसे बेहतरीन CVC रहने वाला है, जिसने ट्राई किया होगा रिजल्ट आपके सामने 42 रन इन्होंने बना रखे। जूनियर एंड्री भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं अगेन बोल रहा हूँ आपके लिए एक अच्छा प्लेयर यहाँ पर रहने वाला है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा प्लस कभी कभी बोलिंग भी कर जाता है। रिकी अलेक्जेंडर ने सिर्फ 6 रन बनाए, इसके अलावा रोनाल्ड एटेने ने यहाँ पर 6 रन बनाए, डेरोन नेड ने यहाँ पर 12 रन बनाए, इमरान जोसेफ ने 7 रन बनाए, इसके अलावा भाई जो कैप्रियन फॉरेस्ट थे इन्होंने सिर्फ यहाँ पर 3 रन बनाए। अब यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं मार्क करूँ आपके लिए तो यहाँ पर देखिए जूनियर एंड्री आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, टेडी बिशप इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इसके अलावा यहाँ पर डेरोन नेड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रोनाल्ड एटेने इंपॉर्टेंट रहेंगे और इमरान जोसेफ, ये 5 प्लेयर आपको ट्राई कर लेने। या फिर अगर आप चाहो तो आप जूनियर एंड्री की जगह पर किसी एक और प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, जैसे कि भाई रिकी अलेक्जेंडर को आप लेके चले जाओ, तो ऐसे
आप ट्राई कर सकते हो। नीचे अगर बॉलिंग की बात करें तो भाई बॉलिंग भी इनकी काफी जबरदस्त रही कल। तो यहाँ पर अगर बॉलिंग की बात करें, देखो इमरान जोसेफ बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा डेरन नेट बॉलिंग करा रहे हैं, दोनों आप दो बॉलर मैंने आपको यहाँ से दे दिए, रोनाल्ड एटिने बॉलिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर भाई 6 ओवर यानी कि इनके 60% बॉलिंग हमने कवर कर ली है, ठीक है। इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पर जूनियर हेनरी की जगह पर आप यहाँ से जेरन न्योल को ट्राई कर सकते हो या फिर सी थॉमस को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। बाकी अगर बात करें सामने जो ओपोनेंट टीम है जिंजर जनरल्स की, तो भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर उसकी बात करें तो लास्ट मैच भाई काफी शाही तरीके से विन किया था। यहाँ पर भाई जोनाथन मेरिया की जेरेमिया की बात करें तो भाई आप देख सकते हो जाकर इसका सिलेक्शन कितना कम था, ठीक है, फिर भी आपके भाई ने सेलेक्ट किया और एक तरफा विनिंग आपकी करवा दी। इसके अलावा केमानी मेलियस हमारी टीम में थे, हालांकि फ्लॉप हो गए, लेकिन भाई सीवीसी हमने नहीं बनाया था, लोगों ने सीवीसी बना रखा था, ठीक है। रोनाल्डो काटो की बात करें तो भाई 27 बॉल पर 3 रन इन्होंने बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आपके लिए। बात करें अगर भाई बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से देखिए बॉलिंग इनकी काफ़ी कमाल की रही थी। और चार्ल्स रेनल्ड की बात करें तो 2 ओवर में 2 विकेट निकाले। इसके अलावा डेनरॉय चार्ल्स की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाला। जावेल सेंट पॉल की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा कीमो पीटर्स ने भी भाई यहाँ पर 1 विकेट निकाल लिया था। अब अगर बात करें देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको बता देता हूँ इस टीम के। यहाँ पर केवानी मिलियस, जोनाथन मेरिया और यहाँ पर रोनाल्डो काटो तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। सी रेनोल्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो एम डैनियल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि अभी लास्ट के 2-3 मैच में टीम इनका अच्छे से यूज भी नहीं कर रही है और ये इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो आर निकोलस इंपॉर्टेंट रहेंगे, डी चार्ल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 7 प्लेयर में से कोई भी 6 प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की, जो मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको सिर्फ एक डेमो टीम दे पाऊंगा। फाइनल टीम के लिए भाई टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन आपको कैसे करना है मैं बार बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। ऊपर आप सर्च वाले बटन पर जाना, @KPM321 सिंपली आपको बस इतना सर्च करना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहां पर ज्वाइन बटन दिखेगा, आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर डेमो टीम के बारे में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन भाई आर अलेक्जेंडर वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एस चार्ल्स का बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे यहां पर रहने वाला है। यहां पर अगर बात करें रोनाल्डो काटो, टेडी बिशप इंपॉर्टेंट रहेंगे, जूनियर हेनरी का देखो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, लेकिन भाई अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लगातार ओपनिंग कर रहा है, कभी भी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो जीएल मिनी जेल में ट्राई कर रहा है। किमाली मेलियस को आप ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। सी थॉमस भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे रहे, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं किमाली मेलियस के साथ जा रहा हूं। यहां पर एम डोनाल्ड डेनियल के साथ मैं जाऊंगा, 100% जाऊंगा, हालांकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही है लास्ट के 3 मैच से जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आर एटिने को मैं अपनी टीम में रखूंगा, इसके अलावा भाई जेम एरिया को मैं अपनी टीम में रखूंगा और सी रेनोल्ड को मैं अपनी टीम में रखूंगा। बात करें अगर यहां से बॉलिंग सेक्शन की, तो इमरान जोसेफ, डेरन नेट भाई आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके दे देंगे, इमरान जोसेफ भी बैटिंग प्लस बॉलिंग दे देगा। इसके अलावा भाई आर निकोलस, ये भाई आप हमारी जो बॉलिंग के रहेंगे वो रहेंगे। और यहाँ पर केवाली विलियम्स लास्ट मैच खेला नहीं था और भाई अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा, तो ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम इसके साथ जाएँ ही जाएँ। सी वी सी की बात करें तो भाई आर एटिने हमारे कैप्टन रहेंगे, हालांकि लास्ट मैच में इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ ही कैप्टनसी के ले जाना, क्योंकि भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहेगा। जेरेमिया की बात करें तो भाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीसी रहेगा, या फिर भाई अगर आपको देखो बिल्कुल डिफरेंशियल जाना है ना, तो भाई यहाँ पर मिचेल डोनाल्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीसी रह सकता है। अभी के लिए मैं इसी को सेव कर रहा हूँ एज ए वीसी। फाइनल टीम में हो सकता है मैं कुछ चेंजमेंट आपको करता नजर आ जाऊँ, तो उसके लिए भाई आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।